तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्रिकेट विद चेतन पे। तो मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ एक और धमाकेदार वीडियो, जिसमें हम कवर करेंगे मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स के बीच खेला जाने वाला इस 11 रन मुकाबले को। तो पूरे वीडियो में जुड़े रहिएगा, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत खास होगा और बड़ा मुकाबला है। तो इस बड़े मुकाबले में आपको काफ़ी कुछ स्टेट्स जानने होंगे कि कौन सी टीम आज अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है, कौन सा प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है, तो पूरा वीडियो देखेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं आज के मुकाबले की। तो ये मुकाबला, जैसा कि मैंने बताया, एलिमिनेटर मुकाबला होगा। जो मैच ये हारेगा वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा और जो जीतेगा वो फाइनल में दिल्ली के साथ खेलेगा। अगर बात करूँ तो ये मुकाबला चालू होगा ठीक 7:30 बजे DY पाटिल क्रिकेट स्टेडियम में। क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो इसकी हम तस्वीर स्टेट्स काफ़ी कुछ आगे बताने वाले हैं। उससे पहले बता दूँ कि पूरे वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको इस वीडियो में पिच रिपोर्ट, पिच स्टेट्स, ग्राउंड स्टेट्स, प्रेडिक्टिव प्लेइंग 11, प्लेयर स्टेट्स, GL पिक भी बताऊंगा और ड्रीम 11 टीम भी प्रोवाइड करूंगा, जो कि आपको इनिशियल टीम होगी और अभी आप उसको बना कर रख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं अपने लिए। और फाइनल टीम के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। तो अगर आप खुद से टीम बनाना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और अगर जैसा कि मैंने बताया आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाला है IPL, तो वहाँ पे भी काफ़ी कुछ खास कंटेंट आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो जाकर जुड़ जाइए वहाँ पर, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने पहले हमारा कंटेंट देखा और आपको लगता है कि हम अच्छा वीडियो बना रहे हैं, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अभी से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टेडियम के व्यू की। तो DY पाटिल स्टेडियम कुछ इस तरह दिखाई देता है, काफ़ी खूबसूरत स्टेडियम जहाँ खेला जाएगा एलिमिनेटर मुकाबला, और टीम जो जीतेगी वो फाइनल खेलेगी वुमेन प्रीमियर लीग का। तो काफ़ी बड़ा मुकाबला होगा इस स्टेडियम पे। तो चलिए अब इस स्टेडियम की कुछ स्टेट्स और पिच रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से DY पाटिल का जो विकेट है वो बैटिंग फ्रेंडली विकेट माना जाता है। काफ़ी हाई स्कोरिंग मेन्यू दिखे, स्कोरिंग मैचेस दिखे थे जहाँ काफ़ी रन बने थे शुरुआत में। हालांकि धीरे धीरे यहाँ पे बॉलर्स को हेल्प मिलना चालू हो गई है और जो फास्ट बॉलर है उनको थोड़ी हेल्प मिल रही है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे इतना बड़ा स्कोर आज के मैच में नहीं दिख सकता, पर अराउंड 150 के अराउंड तो स्कोर होता हुआ दिख सकता है आज के मैच में भी। तो बात करें अगर स्टेट्स की, तो यहाँ पे अभी तक टोटल 12 मुकाबले खेले गए हैं, उसमें से 2 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं, वहीं सेकेंड बल्लेबाजी करने वाली टीम ने यहाँ पर 10 मुकाबले जीते हैं। और अगर बात करूँ यहाँ पे फर्स्ट इनिंग के स्कोर की, तो यहाँ पे अभी तक रिसेंट के कुछ मैचेस में 125, 109, 127, 135, 150, 105 के स्कोर देखने को मिले हैं, यानी ठीक ठाक बड़ा बड़ा स्कोर तो रिसेंट में देखने को नहीं मिले हैं। और काफ़ी विकेट भी गिर रहे हैं फर्स्ट इनिंग में यहाँ पे, और सेकंड इनिंग में आप देखेंगे तो यहाँ पे 129, 110, 129, 136, 154, 107। तो मैच जो सेकंड बैटिंग करता है मैच में वो काफ़ी अच्छा रहता है उसके लिए, और काफ़ी अच्छे से चेस कर लेता है रिसेंट कुछ मैचेस में, और उतने विकेट एज कम्पेयर टू फर्स्ट इनिंग यहाँ पर नहीं गिरते हैं। और जैसे कि बात करें कि 12 मुकाबले में सिर्फ 2 मुकाबले ही पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं, तो आज के मैच में जो टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी करना चाहेगी इस मैच में। और बात करें अगर एवरेज स्कोर की, तो यहाँ पे 160 का एवरेज स्कोर देखने को मिलता है। तो देखते हैं आज के मैच में किस तरह बल्लेबाजी करती है टीमें। अगर बात करें मुंबई इंडियंस की, तो काफ़ी तगड़ी बैटिंग लाइनअप दिखती है, जहां आपको हरमनप्रीत कौर, हार्ले मैथ्यू, यशिका भाटिया जो काफ़ी अच्छे फॉर्म में दिखती है, तो ये कुछ बड़े नाम मुंबई इंडियंस की तरफ से दिखते हैं। वहीं यूपी वॉरियर्स की तरफ से आपको एलिसा हिली एंड देन किरण नवीरे, तो यहाँ से भी कुछ अच्छे पिक आपको देखने को मिलेंगे। ग्रेस हैरिस जो कि नीचे बैटिंग करने आती है और काफ़ी रन बनाती है, अभी काफ़ी हार्ड हिटर बैट्समैन है। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में, बात करते हैं अब यहाँ पे कुछ बॉलर्स के स्टेट्स की। तो इस वेन्यू में अभी तक 11 मैचों में 108 विकेट गिरे हैं, उसमें से पेसर्स ने 52 विकेट निकाले हैं, वहीं स्पिनर ने 56 विकेट निकाले हैं। अगर रिसेंट मैच की बात करूँ तो यहाँ पे 5 विकेट पेसर्स को मिले थे, 3 विकेट स्पिनर को मिले थे। तो लिटिल बिट फेवर जो पेसर्स को है वो ज़्यादा कर रही है अभी, जैसे कि टूर्नामेंट आगे बढ़ा है, तो यहाँ से ट्राई करेंगे अच्छे जो फास्ट बॉलर हैं उनको रखने की अपने टीम में। पर आपको एक सोफी एकल्सटोन दिखती है जो काफ़ी अच्छी बॉलर है, और भले फास्ट बॉलर के पिच हो वहाँ पे भी वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई दिखाई देती है। अगर बात करूँ वेदर की, तो यहाँ से ज़्यादा बड़ी कोई चिंता की बात नहीं है, वहाँ पे आपको 33 डिग्री का अराउंड तापमान दिख सकता है। और बात करूँ बारिश की, तो 10% ही चांसेस है, तो आई होप कि कल सनी वेदर जैसा कि यहाँ दिख रहा है वैसा ही वेदर रहेगा और पूरा मैच हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा मैच वुमेन प्रीमियर लीग के लिए कल का एलिमिनेटर मैच होगा। और अब बात करते हैं यहाँ से प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, तो आपको दिखेंगे हाइल मैथ्यूज, यशिका भाटिया, हरमनप्रीत कौर, एनिस क्रीवर, अमेलिया केर, पूजा वस्त्रकार, इसी वोंग, अमनजोत कौर, फिर देखेंगे आपको हमारे अखिया जी, फिर देखेंगे आपको जिंतमनी कलीजा, फिर देखेंगे शाइका इजा। तो ये प्रॉब्लम लाइन 11 आपको दिख सकती है आज के मैच में। अगर कोई चेंजेस होता है तो आपको टेलीग्राम पे जरूर अपडेट कर दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ से यूपी वॉरियर्स की। तो यहाँ से यूपी वॉरियर्स में आपको एलिसा हिली के साथ सीता शेरावत ओपनिंग करते हुए दिख सकती है, वहीं यहाँ से देविका वैद्य जो रिसेंट कुछ मैचों से ओपनिंग कर रही थी, पर पिछले मैच में यहाँ पे श्वेता शेरावत को ओपनिंग करने को मिला और काफ़ी अच्छी बैटिंग करने करी थी उन्होंने, काफ़ी अच्छे टच में दिखी थी। तो आज के मैच में वही ओपनिंग करती हुई दिख सकती है यूपी वॉरियर्स की तरफ से। तो देखते हैं किस तरह लाइनअप रहती है, तो उसके बाद पता चलेगा, टेलीग्राम पर आपको जरूर अपडेट कर दूंगा। तो जाकर जुड़ जाइए वहाँ
पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डायरेक्ट जाकर सर्च कर सकते हैं क्रिकेट विद चेतन। फिर तीसरे नंबर पर आपको दिखती है किरण प्रभु नवगिरे, जो कि काफ़ी अच्छे टच में है और इस वेन्यू पर काफ़ी अच्छा खेलती है, आगे आपको स्टेट में दिखाऊंगा, तो एक अच्छा पिक कल के लिए ग्रैंड लीग में बन सकती है। जीएल में जरूर ट्राई कीजिएगा किरण नवगिरे को, यहाँ से अपन जी लगा देते हैं तो ट्राई कर लीजिएगा। और फिर आती है ताहिला मेकरा, जो कि काफ़ी अच्छी बड़ी प्लेयर है और बड़े मैचों में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देती है, और रिसेंट में इनका इतना अच्छा कोई फास्ट परफॉर्मेंस नहीं रहा है, तो यहाँ पे आप इनको भी जीएल में ट्राई कर सकते हैं, तो यह भी हमारी जीएल पिक बन जाती है आज के मैच की। फिर आती है देविका वेद्या, जो कि इतना कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा है। फिर आती है दीप्ति शर्मा, फिर देखेंगे आपको सिमरन शेख, फिर देखेंगे सुपर इकलस्टोन, जो कि काफ़ी अच्छी ऑलराउंडर है और एज ए ऑलराउंडर काफ़ी अच्छी इन्होंने परफॉर्मेंस दी अभी तक वीमेन प्रीमियर लीग में। फिर आती है अंजलि सरवनी, फिर देखेंगे राजेश विकाक्वाट, काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रही है। सुमन इस्माइल आपको दिख सकती है वहाँ पे, देखते हैं अगर कोई चेंजेस होता है यहाँ पे, पर आई होप कि सुमन इस्माइल कल के मैच में आपको खेलती हुई दिखेंगी। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ से प्लेयर स्टेट्स की। तो यहाँ से आपको यसिका भाटिया दिखेंगी, जिन्होंने इस वेन्यू में 5 मैच खेले, 80 रन बनाए हैं। पहले इनिंग में इनका तब अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहता है, पर सेकंड इनिंग में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखता है उनकी तरफ से। फिर आते हैं हेड टू हेड में, तो यहाँ पे एक अच्छी बारी खेली थी 42 रन की, रिजल्ट में इनका ठीक परफॉर्मेंस रहा था। लगातार तीन चार मैचों में इन्होंने बीच में अच्छा परफॉर्मेंस किया था, फिर वापस इन्होंने 2 मैच में फ्लॉप रही है रिजल्ट में, तो जीएल की काफ़ी अच्छी पिक बन सकती है यसिका भाटिया आज के मैच में। फिर आती है हाइले मैथ्यूज आती है, जो इस वेन्यू पे 5 मैचों में बात करें तो 143 रन बना चुकी है, और बात करें अगर फर्स्ट इनिंग में तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा खेलती हुई दिखाई देती है, 47-35-5 रन, और बात करूँ सेकंड इनिंग में तो 32-24, यहाँ पे दोनों ही इनिंग में काफ़ी अच्छा खेलती हुई दिखाई दी है। हेडटूट की बात करूँ तो यहाँ पे उन्होंने 2 मैच खेले हेडटूट में और 12 रन बनाए थे, 1 विकेट निकाला था पहले मैच में, सेकंड मैच में उन्होंने 35 रन बनाए थे, 1 विकेट निकाला था, दोनों मैच में रिसेंट परफॉर्मेंस रहा था। बात करें रिसेंट की तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखता है हेली मैथ्यू की तरफ से। फिर आते हैं अगले खिलाड़ी पे एनिस्क्वेयर ब्रंट पे, तो यहाँ से एनिस्क्वेयर ब्रंट, तो इन्होंने अभी तक इस वेन्यू में 5 मैच खेले, 64 रन बनाए हैं, 5 विकेट निकाल चुकी है। फर्स्ट इनिंग में यहाँ पे इन्होंने 23 रन 5 रन 0 रन की पारी खेली थी, वहीं सेकंड इनिंग में यहाँ पे 23 रन 13 रन की पारी खेली थी, ठीक ठाक परफॉर्मेंस वेन्यू पे दिखता है। अगर बात करूँ यहाँ से हेड टू हेड की, तो 2 मैच खेले हैं, वहाँ पे इन्होंने 1 मैच में 45 रन बनाए थे और 1 मैच में 5 रन बनाने के साथ 1 विकेट निकाला था, तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है दोनों ही मैचों में। बात करें रिसेंट में तो यहाँ पे काफ़ी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखता है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने बॉलिंग बैटिंग दोनों से ही पॉइंट दिए हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्लेयर पे, तो यहाँ से हमने पित कौर की बात करें तो काफ़ी अच्छे फॉर्म में दिखाई दी अभी तक, पिछले मैच में फ्लॉप रही थी, पर अभी तक उसके पहले काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, इस वेन्यू पे 7 मैच खेली है, 167 रन बना चुकी है और फर्स्ट इनिंग में काफ़ी अच्छा खेलती है। सेकंड इनिंग में थोड़ा इसका उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा, पर फर्स्ट इनिंग में काफ़ी तगड़ा परफॉर्मेंस दिखता है उनकी तरफ से। बात करें हेडवेट में तो यहाँ पे 2 मैचों में 53-25, तो यूपी वॉरियर्स की तरफ तो काफ़ी तगड़ा खेलती है यहाँ पे, जब भी उनके सामने रहती है 2 मैचों में। बात करें तो अगर रिसेंट की बात करूँ तो वहाँ पे काफ़ी तगड़ा परफॉर्मेंस दिखता है हमें कौर की तरफ से। अगर प्लेयर की बात करूँ अमेलिया केर, जो इस वेन्यू में 5 मैच खेली है, 87 रन बना चुकी है, 7 विकेट भी निकाल चुकी है। अगर बात करूँ फर्स्ट इनिंग में तो वहाँ पे इन्होंने 45 रन की एक अच्छी पारी खेली थी, सेकंड इनिंग में भी 31 रन की पारी खेली थी, तो काफ़ी अच्छा खेलती है वेन्यू पे और बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी करी है इन्होंने, 5 मैच में 7 विकेट निकाले हैं। और बात करें अगर ट्वीट की, तो यहाँ पे 2 मैच खेले थे, 2 एक में 2 विकेट, 1 में 2 विकेट निकाले थे, यानी दोनों मैच में 2-2 विकेट निकाल चुकी है, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यूपी वॉरियर्स की तरफ से दिखता है। तो यहाँ से अमेलिया केर भी काफ़ी अच्छी पिक बन जाती है आज के मैच के लिए। फिर बात करें रिसेंट की, तो यहाँ से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखता है अमेलिया केर की तरफ से। फिर आती है पूजा वस्त्रकार, जो इस वेन्यू पे 4 मैच खेली है, 70 रन बना चुकी 79 रन बना चुकी है, 1 विकेट निकाला है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखता है पूजा वस्त्रकार का इस वेन्यू पे। और बात करें अगर यहाँ पे हेड टू हेड की, तो यहाँ पे कोई मैच नहीं खेला है, रिसेंट में इनका ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखा है। फिर आते हैं शिवम पे, तो यहाँ इन्होंने इस वेन्यू पे 6 मैचों में 7 विकेट निकाल चुकी है, 61 रन बना चुकी है। और बात करें यहाँ पे फर्स्ट इनिंग में 2 मैच में 5 विकेट निकाल चुकी है, तो फर्स्ट इनिंग में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देती है, वही सेकंड इनिंग में से 2 विकेट निकाले 3 मैचों में, 1 मैच विकेटलेस गई थी। बात करें हेड टू हेड की, तो 2 मैचों में 0 विकेट एंड 1 विकेट निकाला है, रिसेंट में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखता है शिवम की तरफ से। फिर आते हैं मनजोत कौर भी, तो इन्होंने इस वेन्यू पे 5 मैच खेले, सिर्फ 13 रन बनाए हैं, उतना कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखता उनकी तरफ से। फिर बात करो हेड टू की, तो 2 मैचों में 1 मैच में इन्होंने बैटिंग की थी, वहाँ पे 5 रन बनाए थे, रिसेंट में कोई उतना खास परफॉर्मेंस नहीं दिखता है। फिर आती है हमारे आकाश जी, जो इस वेन्यू पे 3 मैच खेली हैं, 2 रन बनाए हैं। बात करें ट्वेट की, तो 2 मैचों में 1 मैच में बैटिंग आई थी, वहाँ 4 रन बनाए थे, रिसेंट में इनका कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखता है। फिर आती है साइकाइसा, जो टूर्नामेंट के शुरुआत में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दी थी, पर रिसेंट कुछ मैचों में ये विकेट नहीं ले पा रही है, तो कंसर्न की बात है। शुरुआत अच्छी रही थी साइकिल साहब की। बात करें वेन्यू पे, तो यहाँ पे 5 मैच में 8 विकेट निकाल चुकी है। बात करें फर्स्ट इनिंग में, तो यहाँ पे 2 मैच में 4 विकेट निकाले हैं, सेकंड इनिंग में 3 मैच में 4 विकेट निकाल चुकी है, 2 मैच में विकेटलेस गई थी, तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस साइकिल साहब का दिखता है यहाँ पे वेन्यू पे। बात करें यहाँ पे हेड टू हेड की, 2 मैच खेली थी यूपी वॉरियर्स की तरफ, 1 मैच में 3 विकेट निकाले थे, सेकंड ही मैच में ये विकेटलेस गई थी। अब बात करते हैं यहाँ से जिंदीबनी कलिता की, तो यहाँ से उन्होंने इस वेन्यू पर 4 मैच खेले, 1 विकेट नहीं निकाल पाई है, 2 मैच हेड टू हेड में खेले थे, वहाँ पे 3 रन बनाए थे, 1 मैच में 1 मैच विकेट लेस गई थी, रिसेंट में इनका टिकट परफॉर्मेंस दिखता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ से एलिसा हिली की, तो एलिसा हिली इस वेन्यू पे 5 मैच खेली है, 44 रन बनाए हैं, सेकेंड इनिंग में इन्होंने 37-7-24 रन बनाए हैं, फर्स्ट इनिंग में 25-1 बनाए, तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है। बात करूँ हेड टू हेड की, तो यहाँ से 2 मैच में 58 रन बना चुकी है और 58 मैच में बनाए थे और 1 मैच में 8 रन बनाए थे, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस 1 मैच में दिया था एलिसा हिली ने। बात करें रिसेंट की, तो वहाँ पे काफ़ी तगड़ा परफॉर्मेंस दिखाई देता है एलिसा हिली की तरफ से। फिर आती है श्वेता शेरावत, जो इस वेन्यू पे
तीन मैच खेली है, 12 रन बना चुकी है। फर्स्ट इनिंग में ये 6 रन बनाए थे, सेकंड इनिंग में 2 मैच खेली थी वहाँ पे 1 रन और 5 रन बनाए थे। तो उतना कोई खास इस वनी पर नहीं दिखा है। हेड टू हेड में 1 मैच खेली थी वहाँ पे 2 रन बनाए थे। रिसेंट में इनका ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखता है। रिसेंट जो लास्ट मैच हुआ था वो काफ़ी अच्छे टच में दिखी थी वहाँ पे। फिर आती है किरण प्रभु नवगिरे, जो इस वनी पर 3 मैच में 77 रन बना चुकी है। फर्स्ट इनिंग में 22 रन बनाए थे, सेकंड इनिंग में 2 रन 53 रन बनाए थे। तो काफ़ी अच्छा खेलती है इस वेन्यू पर किरण प्रभु नवगिरे। तो यहाँ से GL भैया, GL काफ़ी तगड़ी पिक है GL, तो जेल में जरूर ट्राई कीजिएगा। बात करें हेड टू हेड की, तो यहाँ से 2 मैचों में 17 रन बना चुकी है, 1 में 12 रन बनाए थे। तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस वहाँ दिखता है, इनकी अच्छी शुरुआत मिली थी पर वहाँ बड़ा स्कोर इन्होंने नहीं किया था। रिसेंट की बात करूँ तो यहाँ से रिसेंट में तो इनका ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखता है, काफ़ी अच्छी बैट्समैन दिखती है मेरे को किरण प्रभु नवगिरे, बड़े बड़े हिट लगा सकती है आज के मैच में। फिर आती है ताइला मेघराज आती है, जो इस वनी में 5 मैच के लिए 202 रन बना चुकी है। फर्स्ट इनिंग में इन्होंने 70 रन बनाए थे 1 मैच में, 1 रन में 2 रन बनाए थे। सेकंड इनिंग में देखेंगे तो यहाँ पर 40 रन नॉट आउट, 0 90 नॉट आउट, तो काफ़ी तगड़ा परफॉर्मेंस यहाँ से दिखता है भाई साहब ताइला मेघराज का। एक अच्छी कैप्टन से भी कल के मैच के लिए ताइला मेघराज GL में जरूर होंगी, लिख लीजिए GL, ये भी GL। फिर बात करें इनकी हेड टू हेड की, तो यहाँ पे 2 मैच में यहाँ पे भी काफ़ी तगड़ा परफॉर्मेंस दिखता है, 50 रन 38 रन। तो ताइला मेघराज तो प्लस 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 कितने प्लस लगा दिए, काफ़ी तगड़ी पिक बन जाती है यहाँ से। अब बात करें यहाँ से इनके रिसेंट परफॉर्मेंस की, तो वहाँ पे भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखता है इनका। फिर बात करते हैं अगले खिलाड़ी दीप्ति शर्मा की, तो दीप्ति शर्मा की बात करो तो इस में 5 मैच में 5 विकेट निकाले, 83 रन बनाए। फर्स्ट इनिंग में इन्होंने 3 मैच में 3 विकेट निकाले हैं, सेकंड में 2 मैच में 2 विकेट निकाले हैं। तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहता है ट्वेट पे, बात करें वेन्यू पे ठीक ठाक रहता है। बात करें ट्वेट की, तो यहाँ पे 2 मैचों में 1 रन मैच पे 7 रन बनाए थे, दूसरे ही मैच में 13 रन बनाए के साथ 2 विकेट निकाले थे, तो वहाँ पे ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा था सेकंड मैच में। बात करें रिसेंट में, तो वहाँ पे भी इनका ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखता है। फिर आते हैं अगले प्लेयर ग्रेस हैरिस पे, जो कि काफ़ी तगड़े प्लेयर है और काफ़ी अच्छे अच्छा हिट्स लगाती है। बात करें इस वेन्यू पे अभी तक 3 मैच खेले, 105 रन बना चुकी है और 1 विकेट निकाला है। फर्स्ट इनिंग में उन्होंने 1 बार बैटिंग की थी वहाँ 46 रन बनाए थे, सेकंड में भी 1 बार बैटिंग की थी वहाँ 59 बनाए थे। तो काफ़ी तगड़ी पिक बन जाती है ग्रेस हैरिस GL में, तो यहाँ से GL में इनको भी ट्राई कर सकते हैं। बात करें हेडवेट में 1 मैच खेला था वहाँ पे 40 रन बनाए थे, रिसेंट में काफ़ी तगड़ा परफॉर्मेंस इनकी तरफ से दिखता है, 46 59, उसके पहले कोई इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा नहीं है। फिर अगली प्लेयर की बात करें, तो यहाँ से आपको दिखती है देविका विद्या, जो इस महीने में 5 मैच खेली है, सिर्फ 63 रन बनाए, सिर्फ 2 विकेट निकाले। तो उतना कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखता है, हेड टू हेड में भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, रिसेंट में भी कोई खास नहीं है। अगले प्लेयर की तो बढ़ते हैं, तो सिमरन शेख इस महीने में 2 मैच खेली, 8 रन बनाए, कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, 2 मैच में 9 रन, रिसेंट में 9 नो, कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, ड्रॉप। सो फिर कल स्टोर की बात करें, 3 मैचों में 4 विकेट निकाले हैं, 34 रन बनाए हैं, तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखता है। फर्स्ट इनिंग में 2 मैच में 3 विकेट, सेकंड इनिंग में 1 मैच में 1 विकेट, हेड टू हेड में 1 मैच में 1 विकेट और दूसरे मैच में 3 विकेट। तो यहाँ पे काफ़ी तगड़ा परफॉर्मेंस सुफी कल स्टोन की तरफ से दिखता है, रिसेंट में इनका ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहता है। बढ़ते हैं अगले प्लेयर संजय सरवानी पे, इसमें 5 मैच में सिर्फ 1 विकेट है, हेड टू हेड में 2 मैचों में सिर्फ 1 विकेट है, रिसेंट में भी इतना कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्लेयर राजेश्वरी गायकवाड़ पे, तो यहाँ से 3 मैचों में 1 विकेट वेन्यू पे और हेड टू हेड में 2 मैचों में 3 विकेट, तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस हेड टू हेड में है, वेन्यू पर इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, रिसेंट में भी इनका ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। तो यहाँ से बात कर लेते हैं अब अच्छे अच्छे प्लेयर्स की, तो एलिसा हेली, श्वेता सेवरा, GL, इनको GL लिख लेते हैं। किरण प्रभु नकबर नवगिरे ट्राई कर लीजिए, ताइला मेघरा, दीप्ति शर्मा, ग्रेस हैरी, सुफील कलसोन, ये कुछ प्लेयर हैं, इनकी तरफ से मस्ट ट्राई कर लीजिएगा। फिर बढ़ते हैं आगे आज की इनिशियल टीम की बात कर लेते हैं, तो यहाँ से हमने विकेट कीपिंग सेक्शन में एलिसा हेली, यशिका भाटिया को रखा है, यशिका भाटिया को आप ड्रॉप कर सकते हैं, उनकी जगह आप ले सकते हैं यहाँ से किरण प्रभु नवगिरे को, बैटिंग सेक्शन में आपको मिलेंगी। अब बात करें बैटिंग सेक्शन में, हमने रखा है अमनप्रीत को, ताइला मेघराज को। बात करें ऑलराउंडर सेक्शन की, यहाँ तो ग्रेस हैरी, साइलेम मैथ्यू, स्क्वायर, एमिलिया केयर को रखा है। फिर हमने सोफेल इकलस्टोन, राजेश्वरी गायकवाड़, इसी बॉम को रखा है। तो हमने कैप्टन बनाया है हाइले मैथ्यूज को, वाइस कैप्टन बनाया है वाइस कैप्टन इकलस्टोन को बनाया है। यहाँ से आप मिटा देते हैं पहले, तो यहाँ से आप ट्राई कर सकते हैं बीसी के लिए एमिलिया केयर को, ताइला मेघराज, एलिसा हेली, हाँ तो ये कुछ अच्छे पिक है बीसी के, GL में आप ट्राई कर सकते हैं, GL के लिए लिख देता हूँ यहाँ पे, GL के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। क्या कौन से प्लेयर थे वो, किरण भाई को ट्राई कर सकते हैं आप। उसके बाद ताइला मेघराज, इनको कैप्टनसी की बोल रहा हूँ मैं, ताइला मेघराज को ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद आती हैं नीचे, आप किसको ट्राई कर सकते हैं, पीछे जाते हैं देख लेते हैं कौन थे यार वो प्लेयर, यहाँ से आप पूजा वस्त्रकार, तो ये कुछ प्लेयर हैं, इनको जरूर ट्राई कर लीजिएगा अपने टीम में GL में। तो आज की तो ये इनिशियल टीम थी, फाइनल टीम के लिए आपको टेलीग्राम पे जुड़ना पड़ेगा,
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जुड़ जाइए जाके। तो ना ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो कर लीजिए। उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, ओके बाय बाय, सी यू।